अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद दिन में आप सभी का खैर मकदम है। आज का दिन सोचने पर मजबूर करने वाला दिन है। क्या वाकई लोकतंत्र की जीत हुई है या नहीं, इस पर सवाल तबसरा करने से पहले इतना तो जरूर है कि जो जीता वही सिकंदर। जब से यूपी में सातवें मरहले की वोटिंग हुई है, बारहा ये कहते हुए देखा गया था कि ईवीएम में गड़बड़ी मुमकिन है, लिहाजा स्ट्रांग रूम की देखभाल की जाए। और पिछले दो दिन में यही नजारे देखने को मिले, कभी ट्रक में मशीन पकड़ी गई तो कभी म्युनिसिपैलिटी के कचरा गाड़ी में मशीनों को पकड़ा गया। खैर, अब इन तमाम बातों का कोई फायदा नहीं, लिहाजा इस पर लम्हे फिक्र होना जरूरी। जमीनी रिपोर्ट में कहीं पर भी भाजपा की जीत नजर नहीं आ रही थी, सभी तरफ समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला नजर आ रहा था। इसके बावजूद भाजपा की इस तरफ बंपर जीत आखिर क्या पैगाम देना चाहती, और आखिर आवाम ने किस बुनियाद पर वोट दिए होंगे, इस पर तबसरा जरूरी है। पहले यूपी पर ही नजर डालते हैं, फिर गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड का तबसरा करते हैं। यूपी में काबा कहा जा रहा था, योगी हुकूमत को बुलडोजर का डर खौफ भी दिलाया जा रहा था। इससे पहले भाजपा के राजा सिंह ने जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे इन्हें बुलडोजर का डर भी दिखाया था, और इस 20 बनाम 80 का सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ इशारा भी दिया जा रहा था। अब यहाँ एमआईएम की लहर का भी जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की तकरीरों का भी जिक्र करना जरूरी है, लेकिन कई जगह पर एमआईएम की जमानत जब्त हो चुकी है, एक भी सीट एमआईएम के खाते में नहीं आई, आधा फीसद भी वोट एमआईएम को हासिल नहीं हुआ। मतलब इसका मतलब मुसलमानों का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया है। फिर जो असदुद्दीन ओवैसी की भीड़ देखी जा रही थी, इसका मतलब भीड़ वोटर में कन्वर्ट नहीं हो पाई है। खैर, समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिला है और भाजपा को वोटिंग का 42% के करीब है। एक और अहम बात यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट जो पहले 22 था अब घटकर 12% आ गया। इसका मतलब 10% वोट भाजपा को शिफ्ट हो चुके हैं। कांग्रेस को महज 2 सीटें हासिल हुई और वोटिंग फीसद भी 2% से कुछ ज्यादा हासिल हुआ। इसी तरह से गोवा, जहां कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी और डीके शिवकुमार और सतीश जारकीहोली पहले से ही गोवा में जाकर बैठे हुए थे, यहां भी मायूसी ही हाथ लग गई। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पहले तो 7 जगहों पर बढ़त बनाई थी, आखिर में हाथ कुछ नहीं आया। भाजपा ने यहाँ 20 सीटें हासिल की और वोटिंग का फीसद भी 33% रहा, और कांग्रेस ने 11 सीटें जीत ली और वोटिंग फीसद 23 रहा। टीएमसी का वोटिंग फीसद महज 5% रहा, और वैसे आम आदमी पार्टी का फिर भी बेहतर मुजाहरा कह सकते हैं, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। गोवा फॉरवर्ड 1, महाराष्ट्रवादी गोमंतक 2, आजाद उम्मीदवार 3, इस तरह से गोवा में सीटें हासिल की गई। मणिपुर में भी भाजपा ने 32 सीटें हासिल कर हुकूमत बना ली है, तो कांग्रेस ने महज 5 सीटों पर ही कामयाबी हासिल की है। जनता दल यूनाइटेड ने 6 सीटें हासिल की है। उत्तराखंड में 47 सीटें भाजपा ने जीत कर इख्तदार का रास्ता साफ कर लिया है। कांग्रेस ने यहां 19 सीटें हासिल की। अब पंजाब पर बात करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त मुजाहरा करते हुए बंपर जीत हासिल की है। पंजाब में 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई और भगवंत मान अब वजीर आला बनना तय हो चुका है। हमें इस जीत पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि पूरे सियासी मंजरनामे में मुसलमानों को अपने वजूद के बारे में सोचना होगा। जिस कदर भाजपा जीत दर्ज कर रही है, यकीनन किसी विकास के मुद्दे पर जीत दर्ज नहीं हो पा रही, बल्कि कहीं ना कहीं मुस्लिम दुश्मनी, धर्म की सियासत, नफरती एजेंडे के आधार पर ही एक तरह का ध्रुवीकरण का खेल खेला है। भले कोई इसे माने या ना माने, लेकिन यह सच्चाई है कि धर्म की राजनीति ही कामयाब होती नजर आ रही है। जहां कांग्रेस के पीछे मुसलमान जाने की बात करते हुए नजर आ रहे, 70 साल से मुसलमानों ने कांग्रेस को ही वोट दिया, लेकिन अब कांग्रेस खुद एक डूबती कश्ती नजर आ रही है। नई पार्टियों ने मुसलमानों को रिझाने का काम किया, लेकिन बजाय फायदे के कौमी सतह पर नुकसान ही नजर आ रहा है। जाहिर है आवाम की दिलचस्पी भी बदलती जा रही है, या फिर ईवीएम का खेल है, समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि बंगाल में जीत दर्ज होती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। यकीनन सही बात कही है, क्योंकि जो इख्तदार पजीर हुकूमत किसी और पार्टी की होती है, वहां इस तरह का खेल खेलना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अब यूपी में जिस तरह ईवीएम मशीन पकड़ी गई, शक यकीन में तब्दील होना लाजिम है, और वहां ममता बनर्जी थी जो भाजपा का खेल कामयाब होने नहीं दे सकती थी। क्या खैर, अब मुसलमानों को अपना सियासी मुस्तकबिल तय करना जरूरी नहीं होगा? हालात आने वाले दिनों में मुसलमानों के हक में बेहतर होना नामुमकिन है, क्योंकि अब भाजपा समझ चुकी है कि मुसलमानों के इर्द गिर्द ही कामयाब सियासत कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कर्नाटक में भी कांग्रेस का इख्तदार में आना अब काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अब इन 5 रियासतों के नतीजों पर ही ये आने वाले सियासत का एक रास्ता तय होना था। लेकिन अब भाजपा ने जीत दर्ज की है, तो आने वाले दिनों में अगर खासकर मुसलमानों का सियासी पसमंजर क्या होगा, इस पर वाकई सरों को जोड़कर बैठना होगा।
वरना आने वाली मुसीबतों से हम सब बच नहीं सकते। अगर वाकई धर्म की सियासत से निजात पाना है तो क्या आम आदमी पार्टी विकल्प बन सकता है? इस पर भी तवज्जो के साथ सोचना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हिजाब मामला हो या फिर आने वाले दिनों में नागरिकता कानून एक्सा सिविल कोड को नाफिज करना मुश्किल काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब इख्तदार में आ चुके हैं। मुसलमानों के खिलाफ जितने भी कानून नाफिज कर सकते हैं अब करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। इनका फर्ज अव्वलीन अगर कह दे तो गलत ना होगा, क्योंकि इन्हें अवाम ने जो जिताया है। क्या इस देश की जनता भी अब भाजपा को देश हित में ही वोट कर रही है? यह सवाल भी उतना ही जरूरी है। कहा यह भी जा रहा है कि योगी को वजीर आजम बनाने की तैयारी है, क्योंकि यूपी की जीत इसी तरफ इशारा कर रही है। और भाजपा में जो लोग शिद्दत पसंद नहीं रहते आरएसएस के इशारे पर हटाए जाते हैं, जैसे येडियुरप्पा को हटाया गया। जाहिर है अब योगी को वजीर आजम बनाकर अकलियतों को बुलडोजर या ठोक दो वाली पॉलिसी चलाई जाएगी। यकीनन संविधान या फिर लोकतंत्र खतरे में जरूर आया है। अखिलेश यादव ने पहले ही इस बात को वाज़ह किया है कि लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, लिहाजा क्या लोकतंत्र योगी के जीत के साथ खत्म होने की कगार पर तो नहीं है? ऐसा सवाल भी उठना लाजिम है। जाहिर है इन तमाम सियासी खमपेश में मुसलमानों का मुस्तकबिल, मुसलमानों का तहफ्फुज़ सबसे अहम है। ऐसा लग रहा है कि डर खौफ के साये में या फिर चापलूसी और कौम का सौदा करने वाले लोग या लीडर कहिए जो मुसलमानों के दरमियान में रहते हैं हर तरफ नजर आएंगे, क्योंकि इस दौर फितन में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है और ये इस दौर का चैलेंज भी होगा जिस पर बहुत कम लोग खरे उतरेंगे, ये भी उतना ही सच है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।